अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है समर के सीज़न में हमारी जो स्किन होती है वो बहुत डल हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा कलर जो है वो काला काला लगने लग जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान रेमेडी आज आपको बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी कलर जो है वो एक तो फ्रेश भी हो जाएगा और दूसरा जो है उसकी काली रंगत जो है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो मैं इस रेमेडी को बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी वो मेरे पास है, ये आपने लेना है गुलाब की पत्तियों का पाउडर लेना। ये आपको आसानी से पंसारी से मिल सकता है, ठीक है ना? आपने ये ले लेना है और आप ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, दराज से। तो मैंने तो ऑनलाइन जो है परचेज़ किया था। अच्छा, ये आपने ये हाफ जो है स्पून लेना है, मतलब जितना आप बनाना चाहते हैं उतना आपने लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं चीज़ लूँगी, ये है माल्टी के छिलकों का जो है वो पाउडर है, आपने ये भी लेना है। ये भी आपने अपने फेस के मुताबिक ही लेना है। सही है, मैंने ये दो चीज़ें ऐड कर दी। अब आपकी चॉइस है, अगर आप इसमें अरके गुलाब से पेस्ट बनाना चाहते हैं तो उससे बना लें, क्योंकि अरके गुलाब जो होता है वो मोस्ट लोगों को सूट नहीं करता है, ठीक है? तो ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे ये सूट नहीं करता इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपने इसके लिए जो मिक्सर बनाना है वो आपने मिल्क का इस्तेमाल करना है। तो मिल्क जो है रॉ मिल्क का आपने इस्तेमाल करना है। आपने इसमें इतना ऐड करना है कि इसका जो है वो मिक्सचर बन जाए, ठीक है? ये मैं इसमें ऐड किया, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। सही है, और ये आपने डे टाइम नहीं नाइट टाइम कोशिश कीजिएगा कि नाइट आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, ये इसका पेस्ट बन जाएगा। आपने इसका पेस्ट बना लेना है, इतना बनाना है कि ये फेस पे लगता है, मतलब ये एक किस्म का स्क्रब है। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? ये आपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। आपने एटलीस्ट एक हफ्ता तो लाजमी लगातार इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने एक हफ्ते में एक या दो दफ़े इस्तेमाल करना है। इसके बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट हैं। इससे आपकी रंगत जो है वो साफ़ हो जाएगी और पिंक भी होगी और ग्लो भी आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेमेडी मेरी पसंद आई होगी। अच्छा, लास्ट पे मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।